नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल योगा डे कहते हैं, मनाया गया। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी देहरादून में थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया, कुछ आसन किए, और इस तरह से मतलब योगा डे मनाया गया। अब योगा डे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी एक सवाल है। ये पिछले 4 साल से ही परंपरा शुरू हुई है। बहरहाल अच्छी बात है, और इसको ये ना माना जाए, जैसे कि कोशिश चल रही है, कि जो योगाभ्यास है या जो योगासन होते हैं वो सिर्फ हिंदू होते हैं। क्योंकि एक जगह पर देखा गया, एक क्या बहुत जगह पर देखा गया, कि पहले चंदन का तिलक लगाकर उसके बाद योगाभ्यास की शुरुआत, उसके बाद जो प्रवचन है उसमें कुछ इस प्रकार की बातें कही गई, जैसे कि सिर्फ ये मतलब अनुष्ठान है, हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान। बाद में प्रसाद भी बांटा गया, लोगों ने एतराज़ भी किया। बहरहाल ऐसा ना माना जाए, सदियों से चला आ रहा है। अब उसका उद्भव भारत में हुआ है ऐसा माना जाता है, और भारत भूमि में हुआ है, लेकिन ये बाहर तक फैल चुका है। दूसरे हमारी जो सरकारें रही हैं उनका शुरू से ही लगाव योगाभ्यास की तरफ रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी की याद आती है, एक होते थे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी को योगाभ्यास कराया करते थे, और उनका दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम भी होता था जिसमें वो जनता को योग के अलग अलग आसन दिखाया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो योग डे मनाया जा रहा है या योग दिवस मनाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से हमारे यहाँ परंपरा रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश की सेहत के लिए, हमारे नागरिकों की सेहत के लिए, क्या सिर्फ योगाभ्यास ही काफ़ी है? सन 2015 और 2016 के दरमियान एक साल में ही मोदी सरकार ने 34,04,25,000 रुपये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशंस पर खर्च किए। बड़ी अच्छी बात है, प्रचार जब होता है, तस्वीरें दिखती हैं कि एफिल टावर के सामने भी योगाभ्यास हो रहा है, कहीं पहाड़ पे भी योगाभ्यास हो रहा है, सियाचिन ग्लेशियर पे, कहीं जल में भी हो रहा है, तो वो साफ लगता है कि ये इवेंट भी एक है पूरा का पूरा। इससे हम ये कह रहे हैं कि जो योग पद्धति है, योग आसन है, इनकी लोकप्रियता बढ़ती है। लेकिन क्या यही सब काफ़ी है? एक निगाह डालते हैं हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनका हाल क्या है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे है, स्वास्थ्य सेवाओं पे हम प्रति व्यक्ति जो हम खर्च करते हैं वो सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है, यानी 1,112 रुपया पर कैपिटा पर ईयर एक इंसान पर, एक भारतीय नागरिक पर सरकार की तरफ से 1,112 रुपया खर्च किया जाता है। हम टैक्सेस इसीलिए देते हैं सरकार को कि जो हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो सुविधाएं सरकार मुहैया करवाए, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है। हम शुरू से मानते आ रहे हैं सरकारें सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, और गवर्नेंस और नागरिक, सरकार चलाना और नागरिक के बीच ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको टैक्स देंगे, आप हमें सुविधाएं दीजिए। तो स्वास्थ्य को लेकर सिर्फ 1,112 रुपये खर्च होते हैं हर साल प्रति व्यक्ति, प्रति नागरिक हमारे यहाँ। और मैं अगर आपको बताऊँ, इसमें भी आप देखिए कि पूरे भारत में कितनी विषमताएं हैं। मिजोरम में 5,862 रुपये खर्च करती है सरकार प्रति नागरिक प्रति वर्ष। अरुणाचल प्रदेश में 5,177 रुपये वहाँ की सरकार खर्च करती है। सिक्किम में 5,126 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर साल सेहत पे खर्च करती है, सेहत से जुड़ी हुई सुविधाओं पे खर्च करती है वहाँ की सरकार। अब आप दूसरे हिस्से चलिए, स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्से, उत्तर भारत में आइए, जिसको लेकर हमेशा से शिकायतें रही हैं कि उत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो खाते ज़्यादा हैं, कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, देते कम हैं, और इंडिकेटर्स पे भी कमज़ोर हैं। मध्य प्रदेश सिर्फ 716 रुपये, कहाँ 5,862 रुपये मिजोरम में, और अरुणाचल प्रदेश में 5,177 रुपये प्रति नागरिक प्रति साल, मध्य प्रदेश में सिर्फ 716 रुपये प्रति नागरिक सेहत पर खर्च किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 733 रुपये खर्च किए जाते हैं, बिहार में सबसे कम 419 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर। अब आप अगर आप देखें GDP, जिसे हम आजकल काफ़ी चलन में आया हुआ है, GDP की तरफ अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ सिर्फ 1.4% GDP का स्वास्थ्य सेवाओं को
एलोकेट किया गया है। मतलब सरकार की निगाहों में लोगों का स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है। योगा दिवस जितने आप मर्जी कर लें, जितना रोगा लें, चिल्ला लें, जितना यूएन में बोल दें कि योगा पूरे विश्व को जोड़ता है, जो फिगर्स हैं ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे GDP का सिर्फ 1.4% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। जबकि अगर आप देखें अमेरिका 17.5% अपना GDP जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, चीन 5.5% करता है। हम एक सुपर पावर होने का दम भरते हैं कि हम इनकी श्रेणी में आना चाहते हैं, अपने नागरिकों की सेहत पर हम सिर्फ 1.4% खर्च करते हैं। हमसे ऊपर जो मुल्क है, मालदीव्स 9.4% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, श्रीलंका 1.6% हमसे 0.2% ज़्यादा, भूटान 2.5% खर्च करता है और थाईलैंड 2.9% खर्च करता है, यानी हम इनसे भी कम खर्च करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं माने अच्छे ऐसे अस्पताल जहां कोई मरीज जब जाए उसकी देखभाल हो, और वो बिल्कुल प्राइवेट अस्पतालों की तरह, निजी अस्पतालों की तरह साफ़ सुथरे अच्छे हों, बेहतर हों, लेकिन नागरिक को वो कीमत ना देनी पड़े जो वहाँ देनी पड़ती है प्राइवेट अस्पतालों में। उसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई है, लूट खसोट भी बहुत करते हैं प्राइवेट अस्पताल, हम सब जानते हैं, रेफरल फी भी चलती है वहाँ पर, स्टिंग ऑपरेशंस भी बहुत हुए हैं, अंदर जाते ही बिलिंग शुरू हो जाती है, या यहाँ कुछ लगा दिया जाएगा, या यहाँ कुछ लगा दिया जाएगा, या पाँव में कुछ लगा दिया जाएगा, बिलिंग शुरू हो जाएगी आपकी। तो कुछ सेवाएं ऐसी हैं भारत जैसे देश में जहां विषमताएं बहुत हैं, हाँ, डिस्पैरिटीज बहुत हैं, आमदनी कहां किसी की पर कैपिटल इनकम इतनी नीचे है और कहां 1% लोगों के पास देश की मतलब 73% वेल्थ है। आमदनी के हिसाब से देख लीजिए आप, गरीबों की संख्या देख लीजिए, हमें अभी तक BPL नाम के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है जो सरकार के हाथ में होनी चाहिए, हम ये मानते हैं, वरना ये कहना पड़ेगा कि सेहत के लिए अमीर होना ज़रूरी है। जो गरीब आदमी है वो बीमारी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ हर 10,190 लोगों के पीछे के ऊपर एक डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर है, और 2046 लोगों के लिए सिर्फ एक बेड, एक बिस्तर है। ये हमारे सरकारी अस्पतालों का हाल है, और 90,343 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल है। हमारे पास करीब जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, मॉडर्न मेडिसिन जिसे कहा जाता है, हम उसी की बात करें, क्योंकि इलाज वहीं करवाते हैं जाकर, जितना मर्ज़ी आयुष मंत्रालय चलाते रहें, आप योगा करते रहें, जब इलाज का जिक्र होता है तो एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं, चाहे सर्जरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, विदेश भी जाते हैं, यहाँ पर भी जाते हैं, इलाज एलोपैथी का ही करते हैं। तो हमारे यहाँ 10 लाख डॉक्टर्स हैं करीब 130 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, और इसमें भी सिर्फ 10% ऐसे हैं जो सरकारी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल सन 2017 का कहना है। हमारा ये कहना है कि आप योगा कीजिए प्रधान सेवक साहब, औरों को भी सिखाइए, योगा का मैसेज भी आप आगे बढ़ाइए। हम तो कहते हैं आप क्लेम ही कर लीजिए कि योगा का आविष्कार ही आपने किया था, लेकिन साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं इस गरीब देश में, सरकार उसकी जिम्मेदारी संभाले, उसको प्राथमिकता दे, सिर्फ 1.4% GDP नहीं ज़्यादा खर्च करे, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए। दिल्ली में कुछ अच्छे सरकारी अस्पताल हैं, उन्हीं से ही सबक ले ले। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से BJP सरकार से बाहर निकल आई और पूरा जिम्मा PDP पर डाल रही है, जो हालात ख़राब हुए हैं उसका, उसमें एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये है कि कविंदर गुप्ता हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, इनका कहना है कि आई डोंट थिंक अ न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एनी टाइम सून, मुझे नहीं लगता कि कोई नई सरकार जल्दी ही बनेगी, यानी गवर्नर का शासन रहेगा। अनसर्टेनिटीज आर देयर बट वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, कुछ ऐसी बातें हैं जो अनसर्टेन हैं, अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन हम कुछ बातों पर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट, और लोगों को जल्दी मालूम चल जाएगा कि हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। अपने आप में एक ऐसा वक्तव्य है जो बहुत से सवाल पैदा करते हैं।
तो उमर अब्दुल्ला ने जवाब में कहा है, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग। वी आर वर्किंग ऑन समथिंग का मतलब क्या है, ये आप लोगों को भी हम बता दें कि बेशक सरकार गिर गई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो असेंबली है, जो विधानसभा है, उसको भंग नहीं किया गया है, उसको डिसॉल्व नहीं किया गया है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में है। और सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली तब रहती है जब गवर्नर को लगे कि हाँ संभावना है कि एक नई सरकार बन सकती है इसी असेंबली के साथ। उमर अब्दुल्ला का यही कहना है, उनका यही सवाल है कि मतलब क्या है वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, और असेंबली क्यों नहीं भंग की गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो इधर उधर से खरीद फरोख करके MLAs को तोड़ के, जिसमें उसे महारत हासिल है, पूरे भारत में हम उसका प्रदर्शन देख चुके हैं कि जहाँ जनादेश नहीं भी है वहाँ भी सरकार अपनी बना लो। तो वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, कविंदर गुप्ता ने कहा, इसका मतलब क्या है। और उमर अब्दुल्ला का सवाल जायज़ है कि ना असेंबली भंग की गई है, डिसॉल्व की गई है, उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, ऊपर से ये स्टेटमेंट कि वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, क्या बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी पैसे का लालच देकर PDP के MLAs को तोड़ना चाहती है या कुछ MLAs को तोड़ना चाहती है, ये देखना बाकी है। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चोर दरवाजे से सत्ता में घुसती है, जो रीजनल पार्टी होती है उसके कंधों पर सवार होकर उस स्टेट में, उस राज्य में जाती है। देखना बाकी है क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें, ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।